रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेन ने उसके कुरस्क इलाके में जमकर तूफान मचाया। दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सीमा के अंदर 30 किलोमीटर तक घुसपैठ की है। 6 अगस्त 2024 को शुरू हुए इस हमले में यूक्रेन ने आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया। इससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा। इसे बौखलाए रूस ने कुरस्क में आपातकाल की घोषणा कर रूसी सेना तैनात की। यूक्रेनी सेना ने कुरस्क में कई जरूरी टारगेट्स को निशाना बनाया। इसमें कई पुलों को तबाह करना भी शामिल था। बदले में रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंक नष्ट किए। कुरस्क हमले के बाद यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा और नया मोड़ सामने आया है। माना जा रहा है कि एक खुलासे से युद्ध की दशा और दिशा पूरी तरह पलट सकती है। आशंका तो ये भी है कि रूस मौजूदा युद्ध का दायरा बढ़ाकर यूरोप को भी इसके चपेटे में ले सकता है। रूस के कुरस्क इलाके में चल रहे संघर्ष के दौरान एक खबर ने सबको चौंका दिया है। दावा है कि कुरस्क में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति का खुलासा हुआ है। अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप के सैनिक कुरस्क यूक्रेनी सेना की मदद करते हुए देखे गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर FOG के ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई है। इसमें 3 अमेरिकी सैनिक कुरस्क इलाके में अपनी उपस्थिति का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में लिखा है कि द बॉयज इन कुरस्क और लोकेशन टैग भी कुरस्क का ही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मेजर जनरल ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया है कि कुरस्क इलाके में यूक्रेनी सेना के साथ विदेशी भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं। रूसी सेना ने कुरस्क इलाका खासकर सूर्जा जिले में यूक्रेनी हमले को रोकने में सफलता पाई है। ऐसे में FOG की उपस्थिति से यह साफ होता है कि विदेशी सैनिक इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। FOG के इंस्टाग्राम पेज की पड़ताल करने से भी यह साफ हुआ है कि अमेरिकी भाड़े के सैनिक कुरस्क इलाके में एक्टिव हैं। शेयर की गई तस्वीर समूह के फाउंडर डेरेक बेल्स भी नजर आ रहे हैं, जो अपने M4A1 राइफल और दाहिने हाथ में बने खोपड़ी के टैटू से पहचाने जाते हैं। बेल्स और उनकी टीम पहले से ही यूक्रेन के आर्म्ड फोर्स के साथ काम कर रही थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि साल 2022 में बेल्स खुद यूक्रेन पहुंचे थे। सूर्जा जिले से बचकर निकले स्थानीय नागरिकों ने भी इस पर बड़ा दावा किया है। लोगों ने बताया कि कुरस्क में यूक्रेनी सेना के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और पोलिश बोलने वाले सैनिक भी शामिल थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कुरस्क में विदेशी भाड़े के सैनिक एक्टिव हैं। ऐसे में ये संघर्ष अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रहा, बल्कि इसमें विदेशी ताकतें भी खुलकर हिस्सा ले रही हैं। बताया जाता है कि कुरस्क में मौजूद अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप इससे पहले इसराइल के गाजा में भी सक्रिय थी। ये ग्रुप गाजा में इजरायली सेना की मदद के लिए तैनात था। उसने वहां से भी अपनी उपस्थिति की तस्वीरें शेयर की थी। कुरस्क में यूक्रेन के ओर से किए गए इस हमले के बाद रूस में भारी आक्रोश है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि अब यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन दोनों ने रूसी धरती पर अमेरिकी भाड़े के सैनिकों की उपस्थिति को लेकर कोई भी टिप्पणी देने से इनकार किया है।